विधानसभा का सत्र आज से शुरू। आपको बता दें कार्यवाही स्थगित होने के बाद होगी बीएसई की बैठक। बीएसई की बैठक में होगा सदन का कामकाज तय और करीब एक हफ्ते तक चल सकता है ये सदन। कल भाजपा करेगी विधानसभा का घेराव। सत्र इस बार रह सकता है बेहद हंगामेदार। कानून व्यवस्था और लंपी बीमारी को लेकर विपक्ष घेरेगी सरकार को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और भाजपा ने भी यहां पर मुद्दे गिनवा दिए, पूरी तरह से तैयार है मौजूदा सरकार को घेरने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है काफी हंगामेदार इस बार का ये सत्र रह सकता है। ऐसी विधानसभा में आमतौर पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार रहता है, इस बार भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। भले ही बीजेपी में अलग अलग धड़े सक्रिय हो, ये बात सही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ मिलकर के पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करेगा और सरकार को घेरेगा। खासतौर से लंपी का मुद्दा जो है, लंपी संक्रमण के ऊपर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बैठ के तो खूब की लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं किया, क्योंकि गाय भूख नहीं सकती। ऐसा ही बात लॉकडाउन हुआ, उसके बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। ऐसे में एनसीआरबी के आंकड़ों की बात हो या दूसरे अपराध हो, कन्हैयालाल हत्याकांड हो, दुष्कर्म की घटनाएं हो, महिला अपराध हो, इन सब के ऊपर बीजेपी सरकार को घेरेगी। साथ में विपक्ष भी ईआरसीपी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को लेकर के सवाल उठाएगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू की गई योजना ईआरसीपी थी, तो वो केंद्र से राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने के लिए बीजेपी पैरवी क्यों नहीं कर रही। आखिर एकजुट होकर के राजस्थान के हकों के लिए, हितों के लिए कैसे काम हो सकेगा, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार इस बार सदन से भागना चाहती है और इसीलिए संभवतः छोटा सत्र हो सकता है, ऐसी राठौड़ ने आशंका जताई। जो ये अगस्त सितंबर महीने में आमतौर पर विधानसभा का सत्र होता है, यह छोटा ही होता है, एक औपचारिकता के लिए बुलाया जाता है यह सत्र, क्योंकि विधानसभा की दो बैठकों में छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। आप एक और महत्वपूर्ण बात देखिए कि 9:30 बजे बीजेपी के अधिकांश विधायक पहुंच रहे हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि उनके प्रश्न लगाने के अधिकार का हनन हो रहा है। पिछली बार जो विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ, लेकिन नियमानुसार जो सदन स्थगित होता है, राज्यपाल जिसको स्थगित करने की अधिसूचना जारी करते हैं, वो नहीं हुआ। इसलिए प्रश्न पिछली बार जो 100 सवालों का कोटा था, उसमें से बचे हुए सवाल ही विधायक पूछ सकेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विपक्ष को ये कहा है कि वो स्पीकर से दूसरे तरीकों के ऊपर समाधान निकालने की भी बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि किस तरीके से विधायक ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने क्षेत्र से जुड़े हुए पूछ सके, उसको लेकर के अध्यक्ष की तरफ से कोई व्यवस्था दी जानी चाहिए आसन पर से, क्योंकि अध्यक्ष को यह अधिकार होते हैं कि नियम परंपराओं से हट करके अगर अध्यक्ष कोई विशेष अनुमति देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, सरकार जवाब देगी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हुई है और जैसा कांग्रेस के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी विधायक दल की बैठक बुलाने की कोई योजना भी नहीं बनाई है। संभव है कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जब आएंगे उनके सम्मान में पहुंच होगा, उससे पहले कुछ अनौपचारिक चर्चाएं प्रमुख नेताओं के बीच में हो जाए। और इससे पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पे थे कल, उनके बीच में भी इन मुद्दों को लेकर के अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों को तैयार किया जाए कि वो विपक्ष के हमलों का जवाब दे सदन में सरकार का बचाव का। जी आयुष जी, बिल्कुल शशि मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान